ये स्वयंभू स्तूप आपको ऑफर करते हैं काठमांडू की सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल व्यू। बहुत सारे मार्केट की तरह यहाँ पे सजाए गए हैं, बुद्ध जी की चमकती हुई आंखें। टॉप टूरिस्ट प्लेस है काठमांडू पे, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन काठमांडू। इस होटल पे ठहरे हैं, इस होटल का छत पे हम हैं अभी, सुंदर सा बार है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अलग अलग ब्रांड का दारू वगैरह बियर वगैरह लगता है। जय श्री राम प्यारे भारतवासियों, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है मेरे चैनल पर। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ नेपाल, नेपाल के काठमांडू पे, और मेरे साथ है मेरे बड़े भाई, और हम लोग अभी दोनों जन मिलके जा रहे हैं सबसे पहले होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है होटल। जो चीज़ बस में आए थे उस बस का लोग हमको होटल दिखाने के लिए ले गया था, मतलब ले जा रहा है, तो हम अभी जाएंगे उसको देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है। तो गाइस अभी हमने एक होटल बुक किया और ये बस स्टैंड के एकदम नज़दीक है। दादा आप लोग का होटल का नाम थोड़ा बता दीजिए। हुटी रिसोर्ट। हुटी रिसोर्ट, और हमारे बड़े भाई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे रूम, और यहाँ से बहुत बढ़िया मस्त व्यू देखते हैं। अगर आप लोगों को रूम पसंद होगा तो इस होटल में आके ज़रूर रुकिएगा। तो पीछे हमारे होटल का मैनेजर है बस। तो यहाँ पे हर देश का टाइम दिया गया है, USA, UK, सिडनी, दुबई, इंडिया, और इंडिया का टाइम अभी 10 बजे का शायद बजा नहीं, 10 मिनट कम है, और नेपाल का 10 मिनट ज़्यादा है, मतलब 10 मिनट फर्स्ट चलता है, 10 मिनट या फिर 15 मिनट फर्स्ट चलता है। गाइस हम लोग जो प्रोसीड्योर है वो अभी कंप्लीट कर लिया, और नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हेयर, बट रूफटॉप में कर सकते हैं ना। ओके तो रूफटॉप में जाके दारू वगैरह जो जो पीना है, मतलब मस्त वगैरह आपको दिखाएंगे, अगर आइएगा तो ज़रूर विजिट करिएगा। चेकिंग टाइम इज 12, कितना होएगा चेकिंग टाइम, कितना है? 12 बजे, मतलब आज का दोपहर का 12 बजे से कल दोपहर का 12 बजे तक। तो आज तो हमने चेकिंग कर लिया, मतलब कि एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अभी घूमेंगे फिरेंगे, फिर किधर जाएंगे पता नहीं, वीडियो के साथ बने रहिए। एक्चुअली नेपाल में घूमने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा प्लेसेस है यार, देख लो एक बार, हमको तो सब तो नहीं जा पाएंगे, जितना जा पाएंगे आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस ये रहा होटल का कार्ड, और अभी हमने जो रूम बुक किया है वो हम अभी आपको दिखाएंगे, और यह है होटल का नाम है कुटी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम लोग का रूम पसंद आया तो इसको पॉज करके आप बुक करवा सकते हैं। तो चलो हम दिखाते हैं, ये बंद है क्या लिफ्ट? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम पे, आपको दिखाएंगे। 501 फोर्थ फ्लोर ना। तो गाइस बेसिकली अभी हम हमारे रूम पे जा रहे हैं, तो 501 है हमारा रूम, ऑलरेडी बैग वगैरह रख चुका है हमने, और ये कुछ रूम है, हम लोग दो बंदे हैं, सिंगल बेड है, यानी कि दो बेड, ऊपर एक फ़ैन है, और यहाँ पर लगेज वगैरह है, बैग वगैरह है, और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। ये कैमरा का चार्जिंग पॉइंट है, कुछ ऐसा अलमारी वगैरह है, और लेकिन हमारे पास उतना कुछ है नहीं, वही वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे दो बोतल पानी का बोतल फ्री दिया है, या फिर बाद में पैसा लेगा पता नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइस इस रूम के लिए हमको पे करना पड़ रहा है 800 इंडियन रुपीज़। अभी हमने एक्सचेंज किया नहीं, करेंगे जब करेंगे तो आप लोग को दिखा देंगे। तो इसके लिए हम लोग को पे करना पड़ रहा है 800 इंडियन रुपीज़, यानी कि नेपाली रुपीज़ में होएगा 1280 रुपये, यानी कि इंडियन 100 रुपी, इंडिया नेपाली 160 नेपाली रुपीज़ देता है, तो उस हिसाब से 800 रुपीज़ का 1280 रुपीज़ होए, ठीक है। तो इतना इज़ ओके, अभी तक हमने उतना नहीं घूमा, अभी मतलब बस स्टैंड के एकदम नज़दीक था, और हमारे बजट के अंदर है, 100-200 ज़्यादा हो गया, इट्स विच इज़ ओके, बट टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हम। यहाँ से स्वयंभू टेम्पल जाएंगे, वो जो सीरिया देख पा रहे हैं कि पता नहीं,
यहाँ से हम जाएंगे स्वयंभू टेम्पल, कुछ ऐसा हाल है, ठीक है। और अभी हम लोग आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं। यह है हमारे, जब बाहर निकलेंगे बाहर कुछ ऐसा है, पूरा काठमांडू शहर दिखता है यार। रूफ टॉप पर भी लेके जाएंगे, देख लो। तो नीचे से हम आए थे नीचे से, और कुछ इस तरीके का है हमारा। ऊपर का जो वो जो दिख रहे हो वो है स्वयंभू टेम्पल। सो अभी गाइस हम जाएंगे रूफ टॉप पे और आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइस अभी आ गए हम हमारा रूफ टॉप पे, मतलब छत पे, दिखा देते यहाँ से कितना सुंदर लगता है काठमांडू वैली, देख लो। सो इस होटल पे ठहरे हैं, इस होटल का छत पे हम हैं अभी, और अभी थोड़ी देर बाद उधर जाएंगे स्वयंभू टेम्पल ट्रैवल करने, आप लोगों को दिखाने। सो यहाँ पे आके आप लोग चिल वगैरह कर सकते हो, बैठने के लिए बहुत सुंदर सा प्लेस है, मस्त प्लेस। एक सुंदर सा बार है, इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अलग अलग ब्रांड का दारू वगैरह बियर वगैरह रखा है, और क्या है जेम्सन, बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ है यहाँ पे। और देख लो इट साइज से ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर सा। हम लोग बैठेंगे रात को इधर, साइड पे भी बैठने के लिए अलग सा प्लेस है। और देखो यहाँ से काठमांडू वैली कितना सुंदर लगता है यार, वेरी गुड। और ये क्या है पता नहीं, टैंक्स वगैरह सब कुछ है। और देख लो यहाँ से, और यहाँ से मैं कैसे दिख रहा हूँ देखो। तो नेपाल इज़ माई सेकेंड कंट्री, और नेपाल पे है मेरा पहला दिन। इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड, बहुत ही मज़ा आ रहा है, पैसा भी जा रहा है, कोई चीज़ ओके। चलो तो बस कुछ ऐसा ही था, और अभी जाएंगे, जस्ट फ्रेश वगैरह हो गए, अभी बाहर चले जाएंगे। तो चलो हम आप लोगों को दिखाते हैं स्वयंभू टेम्पल, नीचे जाके मिलते। तो गाइस अभी हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं, और अभी जा रहे हैं हम शंभू महाचैत्य स्तूपा पे, जो इस होटल से एकदम ही नज़दीक पर है। और चलो तो गाइस अभी हम होटल से एक्सचेंज कर रहे हैं पैसा, 2000 इंडियन रुपीस। तो गाइस अभी हम एक्सचेंज किए हैं ओनली 2000 इंडियन रुपीस। तो नेपाली रुपीस में हमको मिला 200, यानी कि 160 रुपीस के हिसाब से 3200। और कोई भी चार्ज नहीं लिया, एकदम भाव टू भाव जैसे का नेट का था, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं एक बढ़िया सा प्लेस दिखाने के लिए आपको, चलो। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं स्वयंभू महाचैत्य स्तूपा के सामने, और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कैसा कैसा प्लेस है, किधर किधर जाना पड़ेगा। वैसे ये देखो, और बाहर का नज़र आया, अंदर घुसेंगे। तो गाइस बाहर से कुछ ऐसा दिखते हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाई, को बोलो कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर घुस के पता चलेगा कैसा लग रहा है। हम अभी इसके अंदर जाएंगे, तो इस रास्ते से जाना पड़ता है, और बहुत सारे सीढ़ियाँ है, आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो गाइस देख सकते हैं कितने सारे सीढ़ियाँ है, अभी गिनेंगे। तो कम से कम ऐसा मान के चल रहा हूँ 200-300 सीढ़ियाँ होगा, अभी देखते हैं कितना होता है और कितना रुपए का टिकट लगता है एज एन इंडियन। तो अगर आपके पास फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आकर DSLR वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो, आपको पिक्चर खींच देगा। बाकी ऊपर कुछ ऐसा भी हुआ है, चलो ऊपर जाते हैं थोड़ा और। इधर कुछ डाउन की तरफ कुछ है, एक डस्टबिन है, और यानी कि हाफ अब तक उठ चुके हैं हम। तब काठमांडू वैली उस रास्ते से आके, अभी सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी की बिना ऐसा पैदल जाना पड़ेगा अपवर्ड्स। और वॉल का कुछ नक्शा है यहाँ पे, ये जब हम आए थे तभी देखने को मिला। ये क्या है, काठमांडू मॉडल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये पेड़ वगैरह बहुत मस्त फीलिंग दे रहा है ना। वो यार बंदर है, रुक दा देख लो, नहीं सामने नहीं जाएंगे। बंदर देख रहे हो गाइस, ओए बंदर वगैरह से संभाल के
गोप्रो मत छीन लेना भाई मेरे से। नहीं 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 नहीं, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हाय। ए बंधु, जय श्री राम, जय बजरंग बली। अरे यार, डर गए, सॉरी, जा रहा हूँ। गाइस, यहाँ से देखो पूरा काठमांडू दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है ये स्थान। कार्क पार्क करने के लिए जगह है, वो स्वयंभूस्तूपा के बाहर आ गए ऑलरेडी। हमारे बड़े भाई वो टिकट काट रहे हैं, दो बंदे का। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है गाइस, काट लिया। चलो अब हम इसके अंदर जाते, इनको दिखा दीजिए। तो गाइस, हम लोग आ गए स्वयंभूस्तूपा, और देखने के लिए बहुत ही सुंदर सा मस्त सा प्लेस है। एक धार्मिक स्थल है गाइस, इसका एक तिब्बती नाम भी है गाइस। देखो यहाँ पे बहुत सारे मंकी है, ये देख लो कितना बंदर है। और ऊपर भी क्या क्या है दिखा देते आपको, थोड़ा ऊपर जाते हैं। और गाइस, यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं देश विदेश से। आप लोग जब आए थे देख सकते थे कि नॉट ओनली इंडियंस लोग इधर आते हैं, बहुत सारे विदेश से भी आते हैं गाइस। देखो ये जो डिज़ाइन है बहुत पुराने ज़माने का है, इट इज़ वेरी गुड। और अगर काठमांडू पे आए तो प्लीज़ ये स्थान ज़रूर विज़िट करिएगा। दिस इज़ कॉल्ड स्वयंभूस्तूपा और द मंकी टेम्पल। यहाँ पे बहुत सारे वो मार्केट भी लगा हुआ रहता है। देखो गाइस, एक बहुत सारे मार्केट की तरह यहाँ पे सजाया गया है। कुछ अगर खरीदना चाहते हो तो एंटीक चीज़ें यू कैन बाय फ्रॉम हियर। सो लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स, यहाँ पर भी बहुत कुछ चीज़ें खरीदने लायक है। सो वन टाइप ऑफ मार्केट पहाड़ के ऊपर है, विच इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस स्वयंभूस्तूपा। देख सकते हो गाइस, वाव, देख लो, मतलब 10 से 12 जो टॉप टूरिस्ट प्लेस है काठमांडू पे, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन काठमांडू। लोग हर रोज यहाँ पे हज़ार लाख लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। वाह, यही वो मेन स्थान है। अभी हम लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, मतलब आपको दिखाएंगे। एक्चुअली ये जगह एक होली प्लेस है, जहाँ पे आपको बुद्ध जी की जो आँख है चमकती हुई देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमने आप लोगों को पहले दिखा दिया नीचे से ऊपर आने के वक्त बुद्ध जी। और हाँ, किधर जाएंगे? उधर। चलो अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। ये देखो और एक मार्केट है यहाँ पे। एक्चुअली इस जगह को यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कर दिए गए बहुत पहले ही। इतना सुंदर है करेगा तो ऑब्वियसली यार, देख लो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। मतलब इतना जर्नी करके इतना दूर आया, पैसा वसूल और एवरीथिंग इज़ ओके एंड परफेक्ट। तो ये रहा है वो स्तूपा। तो इसका का नियम बता दे रहा है, इसका एक हिस्ट्री है। तो कुछ देख लो यार, ये देखो। सो गाइस, बेसिकली इस चीज़ को लोग घुमाते हैं, कोई चीज़ बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ। और चल हम भी घुमाएंगे अभी। Thank you.
से पूरे काठमांडू का सुंदर सा व्यूज मिलेगा आपको, दिखा देते हैं आपको। देख लो गाइस, वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ का सबसे अच्छा प्लेस अब तक विजिट किया हुआ मेरा। देखो ये स्वयंभू स्तूप आपको ऑफर करते हैं काठमांडू की सबसे प्यारा और ब्यूटीफुल व्यू। देखो क्यों ना करे यार, इतना 300-400 सीढ़ियाँ उठने के बाद इतना सुंदर व्यू ना मिले तो क्या होएगा, कैसा लगेगा लोगों को। तो गाइस इस स्तूपा पे घुसने के लिए इंडियंस को लगेगा 50 नेपाली रुपीस और अदर्स देश के लोगों के लिए लगेगा 200 नेपाली रुपीस। आई थिंक फॉर दिस सार्क, जो सार्क देश के लोग हैं उनके लिए 50 नेपाली रुपीस आई थिंक, और क्योंकि हम तो इंडियंस हैं तो हमारे लिए 50 नेपाली रुपीस लगा है। हम दोनों ने दो टिकट खरीदा है तो 100 नेपाली रुपीस गया। और यहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू मिलता है, ये भाई साहब बैठा हुआ है इधर, क्या भाई इधर आइए, वो अभी भी थोड़ा रिलीजियस पर्पस में है। एक्चुअली गाइस आप लोग जानते क्या, स्वयंभू मीन्स सेल्फ क्रिएटेड, सो यहाँ पे धार्मिक जो लोग हैं उन लोगों का आस्था है कि इस वैली का निर्माण, मतलब इस स्तूपा का निर्माण अपने आप हुआ था, जबकि तो 1000 साल पहले। देखो तो ये एक मंदिर है, देख लो। और तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे वो मूर्ति है पत्थर के पुराने जमाने का। तो हमारे बड़े भाई भी पैसा दे रहे, दे दो प्लीज, इस ब्लॉग को वायरल कर देना ठाकुर। चलो चलो हम अभी इससे बाहर जाते हैं। और वो क्या है ऊपर, बहुत सारे ये मूर्तियां है, देख लिया। अरे हम है, हाय, ये हमारे बड़े भाई बुद्ध जी की मूर्ति। और कुछ ऐसा मार्केट का सामान, बहुत सारे फॉरेनर्स रखे इधर, वैसे हम भी तो फॉरेनर्स है लेकिन कोई वैसा वैल्यू नहीं देगा। गाइस यहाँ पर आने के लिए एटलीस्ट आपको 300 से 400 सीढ़ियाँ उठने पड़ेगी, और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो पीछे के रास्ते से आना होगा, तब तो आपको फिर भी 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। जितना भी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े आप चढ़िए, लेकिन इस प्लेस को ज़रूर विजिट करिए, वेरी गुड, 10 out of 10 रेटिंग। स्वयंभू स्तूपा मीन्स सेल्फ क्रिएटेड, वाओ। अगर आप लोगों को किसी को पता है ये फूल या फिर इस पेड़ का क्या नाम है तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। क्या आपको पता है स्वयंभू स्तूपा को मां के टेंपल के नाम से भी जाना जाता है? नहीं पता नहीं था, आपसे पता ये पता है हमको, ये इसलिए मंकी टेंपल बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में ना वो जो मंकियों का जो झुंड है या रहा करते इस वैली पे, तब से नाम पड़ा। अभी भी देख सकते हैं आप कितना मंकीस है, अनगिनत अनगिनत है, गिन तो सकते हैं बट मतलब समझ लीजिए। स्वयंभू महाचत्य स्तूपा एक धार्मिक स्थल है जो कि वेस्ट काठमांडू की काठमांडू वैली की पहाड़ियों पर बसा है। एक इसका एक तिब्बतीय नाम भी है जिसका इंग्लिश मीनिंग है सबलाइम प्रिंस, बिकॉज
इस पहाड़ी पे काफ़ी सारे तरीकों की पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए एक धार्मिक स्थल बना दिया गया है इधर। यहाँ पे देखिए, पता नहीं कौन सा रिलीजियस एस्पेक्ट से यहाँ पर इसको रख दिया गया, लेकिन जो वैली देख पा रहे हैं आप, काठमांडू वैली इज़ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल। वापस शायद क्रिकेट खेलते होंगे लोग, दूर का फुटबॉल, एक फुटबॉल फील्ड। सब इसको घुमा रहे थे तो हम भी घुमा रहे हैं, बस ट्रेंडिंग। चलो इस साइड में कुछ और भी है, अगर आप में से किसी को पता है कि ये किस लिए घुमाते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे हमको तो टूरिस्ट कोई मानता नहीं है कि हम नेपाली जैसा ही दिखते हैं, मतलब इंडियन नेपाली भाई भाई क्या बोले, ठीक है ना। हंस क्यों रहे हो, कुछ बोलो, जब से आया सिर्फ हंस ही रहा है। बहुत सारे मार्केट्स है और आप आते तो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, विच इज़ गुड। लेकिन हम ट्रैवलर लोग हैं, चीप ट्रैवलिंग करते हैं, हमको सिर्फ प्लेसेस दिखाना है, प्लेसेस एक्सप्लोर करना है, शॉपिंग करके क्या करेंगे, लड़की थोड़ी है। तो गाइस कुछ यही था स्वयंभू स्तूपा के कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस। जाने से पहले और एक बार देख लो, कुछ ऐसा है और देख लो, मतलब जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर के शॉपिंग वगैरह कर सकते। हम लोग के पास अभी है नहीं, इसलिए कहीं पे कुछ मतलब कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन चीज़ें जो है बहुत ही एंटिक चीज़ें हैं, वेरी ब्यूटीफुल। डॉगी सोया हुआ है। तो ये स्वयंभू स्तूपा की सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि ये बुद्धा जी की चमकती हुई आँखें, विच इज़ वेरी कूल एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो चलो इस साइड से ना, अभी हम लोग चले जाएंगे नीचे। तो भाई साहब कैसा रहा ये प्लेस, पूछा कैसा रहा ये प्लेस? बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपका आवाज़ मेरा कैमरा पकड़ नहीं पाएगा, जोर से बोलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत कुछ एंटिक चीज भी है इधर। एंटिक चीज बस इतना होगा, इसका कोटा खत्म। गाइस यहाँ से देखो कितना सुंदर लगता है काठमांडू वैली, एकदम काठमांडू वैली के ऊपर ही ये स्थित है स्वयंभू स्तूपा। जरूर आइए, मस्ट विजिट प्लेस, 10 out of 10 रेटिंग। और हम अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमको और भी प्लेसेस कवर करना है। और एक्चुअली गाइस यहाँ पे घुसने के लिए 50 नेपाली रुपीस चाहिए, जो सार्क रिलेटेड कंट्रीज है लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी, और जो 7-8 कंट्रीज है सार्क के वो सारे, और बाकी अदर्स कंट्रीज के लिए 200 नेपाली रुपीस फॉर एंट्री। वो देखो बुद्धा जी की चमकती हुई आँखें उधर है, और ये मंकी, मतलब हर रोज़ लाखों हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं या इस स्थान को विजिट करने के लिए। ये क्या है, कैक्टस है क्या? इज दिस कैक्टस? तो बेसिकली ये स्थान पे एक चीज स्थान है, यहाँ पर लोग वो पैसा फेंकते हैं, अगर एक बॉक्स के अंदर वो घुस जाए तो मतलब मे बी उन लोगों का मन्नत पूरा हो जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। देखो कोई तो आइटम कर रहा होगा, और ये हम पहले भी दिखाए थे आप लोगों को।
तो गाइस अभी हम लोग इस जगह से जा रहे हैं, फिर से आएंगे वापस। चलो गड़े भाई है हमारे पीछे। अरे क्या पक रहा है हमारा कैमरा। तो आप जब स्वयंभू स्तूप से आएंगे आने के वक्त या फिर उठने के वक्त कुछ ऐसा आपको और एक जगह दिखेगा, सीरिया दिखेगा, तो हम लोग ने देखा है। अभी जाते हैं देखे ऊपर क्या है भाई। ये तो बहुत इतना बहुत सारा सीरिया रे यार। हाँ उफ बहुत सारा सीरिया भाई। माय गॉड पागल हो गया भाई साहब ऊपर उठते उठते। चलो ऊपर उठते उठते आई गई एटलीस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर भी है, हम लोग वो कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है स्वयंभू स्तूप के जैसा। तो मंदिर है यहाँ पर, एक लोग फोटो वगैरह खींच रहे। बस कुछ इतना खास नहीं, बस इतना ही है। तो गाइस हम लोग का ये स्थान भी दर्शन हो गया, अभी हम लोग जाते हैं। तो गाइस हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर अगर आप बहुत पैसे लेके आए तो ज़रूर शॉपिंग करिएगा, बहुत मस्त मस्त चीज़ें हैं। हमारा पैर दर्द कर रहा है, हम अभी थोड़ा खाना खाएंगे। आई होप आप लोग ये ब्लॉग बहुत अच्छा इन्जॉय किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीरियो से जाना पड़ेगा, अगर आपका प्राइवेट वो व्हीकल्स है तो प्राइवेट व्हीकल से भी आप पीछे के रास्ते कैसे ऊपर जा सकते हो स्वयंभू स्तूप तक, उतना फैसिलिटीज़ है पीछे के रास्ते से। लेकिन फिर भी आपको 50 से 60 सीरिया उतरना ही पड़ेगा, मतलब चढ़ना पड़ेगा, कोई चीज़ ओके। वह स्वयंभू स्तूप बाहर से कुछ ऐसा दिखते हैं और लोगों को अंदर का तो दिखाई दिया, बाहर से भी यहाँ पे है ये सरक करने का। यह है स्वयंभू स्तूप के बाहर का नज़ारा और उससे ही आपको मतलब स्वयंभू स्तूप पर जब उठेंगे तो उससे पहले एक मंदिर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग को आप लोगों को मंदिर दिखा रहे हैं। वन काइंड ऑफ बुद्धिस्ट सारे वो है ना मूर्तियाँ, ऑल सारे बुद्धिस्ट मूर्तियाँ। दिखा देते हैं आप लोगों को। ऐसा लग रहा है पूरा स्वर्ण से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। टच नहीं कर सकते बट हम इसको देख सकते दूर से। देखो यार कुछ ऐसा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ ऐसा ही देखो, तो ये रहा उस मंदिर का पीछे वाला हिस्सा और अभी हम लोग वो मूर्ति के पीछे हैं, आगे दिखा दिए थे आपको। तो गाइस यहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा है, मेडिटेशन बुद्धिस्ट पे।
तो गाइस इस जगह को कवर करना होगा, मेरे बड़े दादा बाहर इंतजार कर रहा है, तो चलो। तो गाइस वो देखो वो होटल, तो गाइस वो मंदिर आप लोगों को दिखा दिया कुछ देर पहले, उसके अंदर था। गाइस हमारे घूमना होगा, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, बिकॉज बहुत भूख लगा है, पहले खाएंगे उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म कर देंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि खाना कैसा है। तो गाइस हम लोग एक होटल पर आया हुआ है खाना खाने के लिए, तो ये रहा मेन्यू। तो बहुत कुछ सोचने के बाद ये नॉर्मल सा खाना, वेज खाना 150 दो थाली का, 300 नेपाली रुपीस लगेगा बस। भाई बहुत भूख लगा है, ठीक है अभी पहले खा लेता हूँ उसके बाद। तो गाइस जिस वेज थाली को देते उसके लिए डाल दिया राइस, थोड़ा सा साग, वेजिटेबल, पापड़, भाजा, अनदर काइंड ऑफ वेजिटेबल और थोड़ा सा राइस। फॉर दिस वी आर पेइंग 150 नेपाली रुपीज़। और ये घर पर खाना खा रहे और हम भी अभी खाना खाएंगे। कल का खाना से आज का खाना बहुत बढ़िया है, वेज इसलिए खा रहे ताकि अपना पेट ठीक ठाक रहेगा, हमारा पेट गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आया है, ठीक है ना। ये भी खाना खा रहे हैं, आई होप दिस इज अनलिमिटेड बिकॉज इतना सा राइस से हमको कुछ होगा नहीं, तो भाई खा पी के बाद में बात करते हैं। और गाइस खाना भी जो दिए थे ना, मतलब 150 रुपये में अनलिमिटेड वेज थाली, तो थाली सिस्टम में ये होता है कि पूरा आप जितना भी खा सकते हो खाओ पेट भर के, तो मतलब जो जो आइटम देगा वो फिर से देगा जितना आप खा सकते हो, और अगर पी सिस्टम खाए तो आपका लॉस होएगा लगता है। हम दोनों ने तो खाए 300 रुपये थे पेट भर के खाना खाया, खाना भी बहुत मस्त था ना, कल से बहुत बेहतर। तो गाइस कुछ यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, आवाज रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग। अगर मैंने मेरे ब्लॉग पे कुछ उल्टा सीधा बोला है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना। और जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।